इट्स माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी, और मैं सोच भी नहीं सकता था यहाँ आने से पहले कि इतनी अच्छी बेसिकली सर्विसेज है। ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ इंस्टॉल की गई है और इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा ख्याल ये 21st सेंचुरी की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि हम पाकिस्तान को किस राह की तरफ गामजन कर रहे हैं। गिल्टी प्रूव नहीं हो जाती उस वक्त तक, इट्स लाइक अनदर मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 4G की तरह 5G है। इसके साथ हम बहुत सारी जिद्दत और ला सकते हैं, हम जो हमारे पास एक्सपर्टीज ग्लासगो में है, जैसे इमेज ट्रैकिंग की है, आप कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्शन की या कोई शोर शराबा होता है, अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन होती है या किसी किस्म की कोई ब्लास्ट या कुछ होता है, तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इसी डाटा के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब से सिटी अथॉरिटी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इमशा अवान। नाजिन, आज मेरे साथ जो मौजूद हैं दो साइंटिस्ट हैं, बेसिकली उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान में है, लेकिन उन्होंने अपनी तालीमी खिदमत जो है आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में सर अंजाम दे रहे हैं, और इसके अलावा भी पूरी दुनिया में अपनी लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है और पुलिस को टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज करना कितना ज़रूरी है और वो किस तरह पाकिस्तान को असिस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम अहमद और डॉक्टर कमर अब्बासी साहब, आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। इस ऑनर फॉर अस के हमारे जो है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में बाहर से एक टीम आई है और वो सर्व करना चाह रही है। सर, पहले तो मुझे बताइएगा कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का विजिट कैसा रहा? आपने कभी सोचा था कि जब मैं पाकिस्तान को छोड़ के गया था तब पुलिस का क्या कल्चर था, और जब मैं फिर आया हूँ इतने अर्से बाद तो पुलिस टोटली डिफरेंट चेंज हो चुकी है, उसका कल्चर चेंज हो गया? बहुत शुक्रिया रमिशा। सो वन वर्ड, इट्स अमेजिंग। बेसिकली हमने विज़िट किया, तारिक साहब ने विज़िट कराया और कामरान साहब से भी मुलाकात हुई। इट्स माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी, और मैं सोच भी नहीं सकता था यहाँ आने से पहले कि इतनी अच्छी बेसिकली सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल नंबर प्लेटिंग सिस्टम, उसके बाद जो है वो रेस्क्यू 15, उसके बाद जो एक लेटेस्ट ऐप की बात कर रहे हैं वुमेन सिक्योरिटी ऐप, मेरे ख्याल से जो ये काम है बहुत अमेजिंग है और बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन है जो कि फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पर काम हो रहा है एंड आई वुड से इट्स अमेजिंग। अच्छा सर, आपसे भी बात करते हैं, डॉक्टर वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आप क्या देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है, फिर आप बिग डेटा की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक महीने तक तो हम डेटा स्टोर रखते हैं या 2 महीने तक, डेटा हर रोज हर के हिसाब से बहुत ज़्यादा GB टेराबाइट्स के हिसाब से सेव हो रहा है, उस पर जब हम टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं तो क्या अपग्रेडेशन जो है इस सिस्टम में मौजूदा सिस्टम में की जा सकती है या होने के चांसेस हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं स्टार्ट इस चीज़ से करूँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ इंस्टॉल की गई है और इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा ख्याल ये 21st सेंचुरी की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि हम पाकिस्तान को किस राह की तरफ गामजन कर रहे हैं, और अगर हम इसी तरह चलते रहे तो इंशाल्लाह वी विल बी अ मॉडर्न नेशन, वी आर लीडिंग द राइट पाथ। कमिंग बैक टू डेटा, आप देखें कि जितनी भी इस वक्त बड़ी टेक कंपनीज हैं, फेसबुक देख लें, गूगल देख लें या दूसरी देख लें, डेटा इज़ द मनी, डेटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एसेट्स एट द मोमेंट एनी वन कुड हैव। तो हमारे पास यहाँ इस टेक्नोलॉजी से जितना डेटा जमा हो रहा है उसे अभी तो हम जो पुलिस अथॉरिटी है वो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का काम कर रही है, लेकिन इसके साथ हम बहुत सारी जिद्दत और ला सकते हैं, हम जो हमारे पास एक्सपर्टीज ग्लासगो में है, जैसे इमेज ट्रैकिंग की है, आप कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्शन की या कोई शोर शराबा होता है, अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन होती है या किसी किस्म की कोई ब्लास्ट या कुछ होता है, तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इसी डेटा के थ्रू, कि जो उसको हाईलाइट कर सके, उसको फौरन तौर पर उसके लिए एक्शन आ सके और उनको देख सके। उसके साथ बहुत सारी शहरियों की हिफाजत के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए
और भी बहुत सारी इनोवेशन लाई जा सकती है, जैसा कि अगर कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी कार चोरी होती है उसको ट्रैक करने के लिए हम इस कैमरा सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी लोगों को या किसी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी ये चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ओवरऑल डेटा जो हम देख रहे हैं और हम इकट्ठा कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस कोलैबोरेशन के बाद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जिसकी मदद से पुलिस जो होगी वो अपना काम और खुश असलूबी से और मोर इफेक्टिवली वो सर अंजाम दे सकेगी, और हमारे शहरियों को, हमारे लाहौर को, हमारे सिटीज़ को बहुत ज़्यादा और महफूज बना सकेगी, वो अपने आप को और महफूज समझेंगे, और ये ट्रस्ट जो अवाम और पुलिस के दरमियान है ये मेरे ख्याल इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट से और मज़बूत होगा। अच्छा, बढ़ते हैं फिर कमर साहब के पास। कमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका सबसे ज़्यादा सेफ होना चाहिए, उसकी सेफ्टी बहुत मेरी करती है कि हम जो चीज़ किसी से बात कर रहे हैं वो हमें पता हो कि कोई और नहीं सुन रहा या कुछ भी ऐसा है। क्या आप प्रेफर करेंगे कि सिग्नल्स की बजाय अगर हम वायर पे आ जाए और वही सिस्टम ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो, वो ज़्यादा सिक्योर है या सिग्नल सिस्टम ज़्यादा सिक्योर है? बेसिकली ये आपने बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन पूछा है कि ना, इसका एक सिंपल आंसर है कि डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, कि आपको किस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, किस तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, किस किस्म की रिलायबिलिटी चाहिए, उसकी बेसिस पे आप या वाइड कनेक्शन लेते हैं या वायरलेस लेते हैं। तो वाइड कनेक्शन के अपने चैलेंजेस हैं, वायरलेस के अपने हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये दौर वायरलेस का है, हर चीज़ वायरलेसली हो रही है, तो उसमें कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिन पे काम हो रहा है, और उनमें से एक टेक्निक है, हम बेसिकली उसको कहते हैं स्मार्ट वॉल या इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस, के हम कैसे अपनी आसान लफ्ज़ों में ये जो दीवारें हैं इनको ऐसे मटीरियल से बनाएँ कि ये सिग्नल्स को ब्लॉक कर दें, ये सिग्नल्स को किसी खास डायरेक्शन में मूव कर दें, तो इस तरह के जो है वो काम इस पे हो रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। अच्छा सर, 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम जो है 4G 4.5 LTE टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, 5G टेक्नोलॉजी पर मूव करने के लिए एक तो फाइनेंस भी बहुत हैवी किस्म का चाहिए जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इसके अलावा एक शौर भी लोगों में बहुत ज़्यादा एक फियर है, या मैं आपको कहती हूँ कि मिसकंसेप्शन है कि पता नहीं 5G की जो एंटीने लगे हैं उससे कोरोना फैल रहा है। आई डोंट नो ये सही है या नहीं, लेकिन आप तो साइंसदान, आप इस पे काम करते हैं, तो ये भी लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है, ये ज़रा दूर कीजिएगा कि ऐसा वाकई है। जी, आपके दो अलग अलग सवाल हैं, ये बड़े अच्छे सवाल हैं कि पहली बात ये कि हम जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में, वी आर वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ स्कॉटलैंड 5G सेंटर, जो एक ही नेशनल सेंटर है, तो हम 5G और बियॉन्ड टेक्नोलॉजी के अमंग द पायनियर्स है। हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन सेंसिंग एंड इमेजिंग ग्रुप, जिसको हमारे एक पाकिस्तानी प्रोफेसर मोहम्मद इमरान लीड करते हैं, तो इन दो सवालों के मैं अलग अलग जवाब दूंगा, पहले 5G के बारे में और फिर जो मिसकंसेप्शन हैं। तो 5G बेसिकली ये, जैसे हम सब ने सुना देखा, पहले 2G थी, 3G थी, फिर 4G थी, अब 5G आई, लेकिन 5G और फोर्थ जनरेशन या थर्ड जनरेशन में ये फ़र्क है, वो एक खाली बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन थी, लेकिन 5G जो है वो एक पूरा इकोसिस्टम, इट्स नॉट जस्ट लाइक 3G टू 4G, इट्स नॉट लाइक 4G टू 5G इज अनदर नेटवर्क, बट इट्स एन इकोसिस्टम जो कि ज़िंदगी के हर शोबे को इनेबल कर रहा है, चाहे आप इंडस्ट्री की ऑटोमेशन देख लें, चाहे आप रिमोट टेली हेल्थ को देख लें, चाहे आप एजुकेशन को देख लें, ये कोरोना में ये जो रिमोट एजुकेशन है, नेटवर्क रिलायबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 5G इनेबल करता है, एग्रीकल्चर को देख लें, तो इसी तरह अगर हम ये पुलिसिंग में देखा जाए तो करंटली 4G 4.5G अगर हमने इससे ज़्यादा आगे जाना है कि हमने अपने डेटा को ज़्यादा लाइव स्ट्रीम करना है, ज़्यादा डेटा की रिलायबिलिटी चाहिए, उसकी ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, उसकी स्पीड ज़्यादा चाहिए, लो लेटेंसी चाहिए, मतलब डिफरेंट फीचर्स हैं, तो उसके लिए 5G इज़ अ डायरेक्शन जहाँ पे सारी दुनिया काम कर रही है, और पाकिस्तान भी 5G की तरफ जा रहा है, जो कि एक बड़े खुशाइंदा मल है। अब आपका दूसरा सवाल कि 5G के बारे में जो मिसकंसेप्शन है कि ये इसने कोरोना कर दिया, इसने ये मसला कर दिया, तो बेसिकली अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें ये प्रूव हुआ हो कि जी 5G जो है ये इसके ऐसे हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सर, आप भी 5G पे काम करते हैं, आपको तो नहीं कोरोना हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा था कि जैसे हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन्स हैं, हम अपनी खुराक में यूज़ करते हैं, उसमें माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं, तो इसी तरह उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हैं या प्रूव नहीं हुए, इसी तरह 5G जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाती, उस वक्त तक
इट्स लाइक अनदर मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 4G की तरह 5G है, जिसके कोई हैजर्डस इफेक्ट्स नहीं है और अभी तक इसके कोई इफेक्ट्स नहीं है. सिंपल आंसर, नो, इट डजंट अफेक्ट एनी हार्मफुल इफेक्ट टू योर बॉडी अभी तक. अच्छा सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इदारे को चलाने के लिए आपके रिसर्च और डेवलपमेंट. आपने कितनी रिसर्च की है उसके हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो है वो क्या खिदमत अंजाम देंगे और किस तरह असिस्ट करेंगे पंजाब सेंट्रल अथॉरिटी को? देखिए, अभी यहाँ जो काम, जो फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी मेरे ख्याल इन्होंने मिसाल कायम की है. इट्स अ बिग शो केस फॉर अस, हम बाकी लोगों को भी दिखा सकें कि हम क्या कर सकते हैं. अब इससे आगे हम कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं, माशाल्लाह टीम यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, बड़ी जो है कम्पिटेंट लोग यहाँ काम कर रहे हैं. तो हमारा ये है कि हम मिल के एक इस चीज़ को एक्सेलरेट, तेज़ कैसे कर सकते हैं, हम इनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं. बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारी चीज़ें इनके पास है. जैसा मैंने पहले कहा कि डेटा इज़ एवरीथिंग, डेटा यहाँ बहुत सारा है. हमारे पास कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, टेक्निकल कह लें, जैसे हमने बात की डिटेक्शन की या और चीज़ों को ढूंढने की या करने की. तो उस चीज़ों को हम इनके साथ कोलैबोरेट करके कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी ला सकें, कुछ अभी कंट्रीब्यूशन करें. बहुत हम शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे अरसे के लिए और लंबे अरसे के लिए हम कैसे इस यूनिवर्सिटी और इस रिसर्च सेंटर को हम अपने मुल्क की खिदमत के लिए और ख़ास करके इस अदारे की खिदमत के लिए और इसकी बेहतरी के लिए हम क्या सरंजाम दे सकते हैं, हम उसके लिए इंशाल्लाह इनकी कंट्रीब्यूशन करेंगे. आप देखिए, 24 घंटे में या एक महीने में हमें कोई एक पिन पॉइंट इंसिडेंट ढूंढना हो तो वो एक समंदर में एक कैदे के कतरे के बराबर है, ये सुई के मानद है. तो इस तरह की टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम हम यहाँ लेके आएंगे कि उन चीज़ों को, जो टारगेट, जो इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ें हैं, उनको आसानी से ढूंढ सके और पुलिस का काम और उन चीज़ों की काम आसान कर सके, उनके लिए आसानियां पैदा कर सके. थैंक यू सो मच, आपने हमें जो है साथ दिया और यहाँ पर आए और आपने कोलेब्रेशन के लिए हमें ऑफर की, थैंक यू सो मच. जी नाजिन, हमारे साथ जो दो साइंटिस्ट मौजूद थे उन्होंने बताया कि कैसे जो है पंजाब से सिटी अथॉरिटी की वर्किंग को हम मजीद बेहतर कर सकते हैं और कैसे 5G टेक्नोलॉजी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट को और दूसरी एजेंसीज को असिस्ट करेगी. इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहें सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़.